हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पीजी बैंक को अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि पीजी बैंक आपके सामने रखा हुआ है और इसको हम अनबॉक्सिंग करना और इसका पिन नंबर डालना और पिन नंबर कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कैसे इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और कैसे पिन नंबर चेंज करते हैं और कैसे पिन नंबर इसमें डालते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। ये हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है पीजी बैंक को और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है पीजी बैंक, जो कि बहुत अच्छा गिफ्ट होता है अगर किसी छोटे बच्चे को आप गिफ्ट करना चाहें, और मनी सेविंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर पैसे बिल्कुल एटीएम की तरह ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कोई नोट डालेंगे तो ये नोट डालने की जगह है जहां से आप नोट डाल सकते हैं, बशर्ते कि नोट आपका गला नहीं होना चाहिए। कड़ी नोट इसके अंदर बहुत ही आराम से बहुत ही सरलता से जा सकती है। और ये रहा ऊपर कॉइन डालने के लिए, जिसमें आप इसमें कॉइन डाल सकते हैं। ये कॉइन के लिए ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपके लिए नोट के लिए है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कैसे इसके अंदर नोट हम डाल सकते हैं और कैसे इसको हम पिन नंबर डाल करके अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये इसमें पिन दिया हुआ है, इसमें पिन नंबर दिया हुआ है, तो इसमें पिन नंबर डाल के हम इसको ओपन कर देंगे। फिलहाल उससे पहले हम यहाँ पे इसको सेल लगाते हैं, जिसको सेल का ऑप्शन यहाँ बना हुआ है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे सेल लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें तीन सेल लगाने पड़ते हैं, तीन सेल लगा करके इसको हम चालू करेंगे। ये हमने सेल ऑलरेडी इसमें लगा दिया है, अभी इसमें हम पिन नंबर डालेंगे। पिन नंबर डाल के हम इसको ओपन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पिन नंबर हम डाल देते हैं। ये देखिए ये पिन नंबर हमने इसमें डाल दिया है और ये हमारा मिनी पीजी बैंक ओपन हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीजी बैंक हमारा ओपन हो गया है और ये हमारे नोट्स काफी सारी मतलब मनी सेविंग है और काफी सारे पैसा हमने सेव करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, खास करके आप छोटे बच्चों को अगर गिफ्ट करना चाहें तो। अब इसमें एक मैं नोट ले लेता हूं जो कि 100 रुपीज का है और इसको मैं वापस से बंद कर देता हूं। अगर इसका दरवाजा ओपन है, इसका डोर अगर ओपन है, तो ये आपको वार्निंग देता रहेगा। जब तक कि आपका डोर ओपन है 20 सेकंड का आपको वार्निंग देगा। तो ये आपका नोट है और नोट ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये ऑटोमेटिक बिल्कुल जैसा आपका एटीएम काम करता है ठीक वैसे ही काम करेगा। ये देखिए दोस्तों इसने नोट को ले लिया है और इसमें क्या है कि अब इसको अगर हमें खोलना है तो वापस से हमको पिन नंबर डाल के इसको ओपन करना पड़ेगा। और जब भी अगर इसको आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें ये स्टार वाला जो ऑप्शन है, स्टार को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, बेसरते दरवाजा हमें खोलना पड़ेगा। इसका डोर ओपन होना चाहिए पासवर्ड चेंज करने के लिए, इसका डोर ओपन होना चाहिए। डोर ओपन करने के बाद स्टार वाला जो की है इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और स्टार की को लॉन्ग प्रेस करने के बाद, यानी हम लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे और प्रेस करते करते हमें पासवर्ड वो डाल देना है जो हम पासवर्ड रखना चाहते हैं। वो पासवर्ड रखने के बाद में दोबारा से सेव करने के लिए हम हैश प्रेस कर देंगे, जो कि हैश आप देख पा रहे हैं, इसको हमने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में वो पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं पासवर्ड उसका चेंज करके। तो उससे पहले पासवर्ड डाल के हमें ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब दोबारा से अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो स्टार को हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और जो पासवर्ड हम यहाँ पे रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे हम डाल करके इसको यहाँ पे हैश वाले बटन से हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल मैंने पासवर्ड इसमें डाल रखा है, मैंने तरीका आपको बता दिया है जिससे कि जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो चलिए दोबारा से मैं इसको लॉक कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको लॉक कर दिया। अभी लॉक करने के बाद में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा और ये पीजी बैंक हमारा कैसे लगा ये आप हमको बताइएगा इस कमेंट के अंदर। वैसे हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, एक तोहफा रहेगा किसी छोटे बच्चे को भी ये आप देना चाहें तो। ये देखिए ये हमारा पिन नंबर देखने के लिए आया हुआ, लेकिन मैं इसको पिन नंबर नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत शरारती है, ये पिन नंबर देख के भाग जाता है सीधे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।